स्वागत है मैम आपका एक बार फिर से। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच जी, वेलकम अमृता जी। थैंक यू यस मैम। मैम म्यूजिक आप लगा देंगे? यस मैम आप स्टार्ट कीजिए, मैं 2 मिनट में लगा दूँ। ओह हाँ जी, ओके। रिलैक्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस ध्यान के सत्र में। हम सभी इस ध्यान के सत्र में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, ध्यान के सुंदर सफर में। तो अपने घर का एक ऐसा स्थान चुन लें जहाँ शांत और स्थिर जगह है। अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर दें, और जिनको पानी पीना हो प्लीज पानी पी लें, और पानी की बॉटल अपने पास में रख लें, और जो स्पेक्स लगाए हों उस स्पेक्स को उतार कर अपने साइड में रख लें, क्योंकि ध्यान के सफर में स्पेक्स की कोई आवश्यकता नहीं है। और रिलैक्स हो जाए, बहुत ही सुखासन की स्थिति में बैठ जाए, पैरों की आलती पालती मार लें। अगर कोई आलती पालती नहीं मार पा रहे हैं तो पैरों को स्ट्रेट खोल के एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर लें, फिंगर्स को इसे लॉक करना है, आंखों को बंद करना है, बिल्कुल रिलैक्स। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ हमें एक होना है, मन शांत और स्थिर। रिलैक्स, रिलैक्स, केवल आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ एक होते जाए मेरे प्यारे दोस्तों। हम ध्यान के सफर में आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स। श्वासें आ रही हैं, श्वासें जा रही हैं, मन शांत और स्थिर, बिल्कुल रिलैक्स, 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 शांत और स्थिर। विचार आ रहे हैं, विचारों को स्वतः ही आने दें और स्वतः ही जाने दें, उन विचारों का पीछा ना करें, केवल हमें ध्यान के अपनी श्वासों के साथ रहना है, श्वासों के साथ बहना है, और श्वासों के साथ ही डूब जाना है इस गहरे ध्यान में, बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। शांत और स्थिर, आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ डूबते जाए अपने ही आप के साथ, अपनी ही श्वासों के साथ, और एक होते जाए अपने ही आप के साथ, बिल्कुल शांत, शांत और शांत। केवल केवल और केवल श्वास को महसूस करें, जो श्वास आपके शरीर के भीतर प्रवेश कर रही है, सुख समृद्धि और आरोग्यता लेके आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, और जो श्वास शरीर से बाहर जा रही है, सारा दुख सारा तनाव सारा दर्द लेके शरीर से बाहर जा रही है। हर एक श्वास को महसूस करना है और डूबते जाना है अपने आप के ही साथ।
अपनी श्वासों के साथ एक होते जाते हैं, तुम अपने आप से ही जुड़ते जाते हैं, अपनी आत्मा से जुड़ते जाते हैं। और जब हम अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं परमात्मा से, तो हम स्वतः ही जुड़ जाते हैं, क्योंकि आत्मा और परमात्मा एक ही स्वरूप के दो पहलू हैं, और परमात्मा कोई नहीं, हमारा ही प्रतिबिंब है, हमारा ही स्वरूप है। तो हम क्यों ढूंढे बाहर किसी को, क्यों ढूंढे भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को बाहर, जबकि वो तो हमारे स्वयं हमारे भीतर ही बसे हैं। और हमारा ये प्रतिबिंब है क्योंकि हम सब भगवान हैं, हम सब के अंदर हमारी ही आकृति, हमारा ही स्वरूप उस भगवान के रूप में छुपा हुआ है। तो हम क्यों घर के बाहर, केवल हमें अपनी श्वासों के साथ जुड़ना है, बाकी का स्वतः ही सब कुछ अपने आप ही हो जाता है। कृपया कोई भी अपनी आंखें न खोले, केवल श्वासों के साथ ही और डूबते जाए गहरे ध्यान में। बिल्कुल रिलैक्स, हर आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ अपने आप को महसूस करते जाएं और डूबते जाएं गहरे ध्यान में। जैसे गंगा की धारा बहती जाती है बिना रुके बिना थके, वैसे ही हमें अपनी श्वासों के साथ बहते जाना है, बहते जाना, क्योंकि श्वासों के अलावा हमारे साथ ऐसा कोई नहीं है जो हमारे साथ हर क्षण हर पल रहे। श्वासें ही हैं जो आपको एक क्षण के लिए अकेला नहीं छोड़ती, तो क्यों ना श्वासों को हम अपना साथी, अपना दोस्त, अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें, क्योंकि श्वास जब हम रोते हैं तो हमारी श्वास भी खिल सकती है, जब हम हंसते हैं तो हमारी श्वास भी खिलखिला उठती है। तो श्वास से अच्छा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। श्वास के साथ एक होते जाए और डूबते जाए मेरे ध्यान में।
अपने ही आप के साथ, अपने ही श्वास के साथ, अपनी ही आत्मा के साथ। भी आपको लगती है केवल अपनी श्वास के साथ एक होते जाए। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। से अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, धीरे धीरे श्वास की गति भी धीमी होती जा रही है। केवल अपने श्वासों के साथ एक होना है, बिल्कुल रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अपने ही आप के साथ, अपने ही गहरे ध्यान में, अपने आप के भीतर देखते जा रहे हैं, और गहरे और गहरे और गहरे, जिसकी कोई धार नहीं है। अपने आप को पाते जा रहे हैं और एक होते जा रहे हैं अपने ही श्वासों के साथ,
गहरे ध्यान में डूब गए, बिल्कुल बिल्कुल हम श्वास के साथ अपने ही आपके भीतर समा चुके हैं। मानो हमारा यह शरीर बहुत हल्का हो चुका है और हम अपनी श्वास के साथ अपनी सोल के पास सोल को पहचानने के लिए डूबते जा रहे हैं, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को जानने के लिए हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम क्यों आए हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन्हें हम बाहर खोजते हैं, या बाहर के सवाल ये हमारे आत्मा के सवाल है, हमारे आंतरिक सवाल है जिन्हें हम अपने आप के साथ बैठ के ही पा सकते हैं, अपने श्वासों के साथ बोल के साथ गुम हो जाए, अपने ही आप के साथ ढूंढ ले अपने सारे सवालों का जवाब अपने ही श्वासों के द्वारा।
लास्ट 1 मिनट बिल्कुल रिलैक्स रहिए। कृपया कोई भी आंखें ना खोलें। केवल आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास के साथ अपने भौतिक शरीर को फील करें, महसूस करें, क्योंकि हम जब ध्यान में जाने जाते हैं तो हम हमारा भौतिक शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो जाता है। अपने भौतिक शरीर को महसूस करते जाएं। बिल्कुल रिलैक्स। Relax. Relax. Last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. धीरे धीरे अपने हाथों को फिंगर्स को खोलते हुए बाउल बजा के अपने चेहरे पे रख। 5, 4, 3, 2, 1 बहुत ही कोमलता से अपने हाथों को खोलेंगे, बंद करेंगे अपने हथेलियों के अंदर ही और धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे लेकर आए। बहुत ही कोमलता से अपने हाथों को खोलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू डियर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, चले गए थे सरिता जी, बहुत डिफिकल्ट। एक बार वापस आई उसके बाद लास्ट में फिर शुरुआत हो गई, एनर्जी आनी शुरू हुई और अपने आप ऐसे से हो जा रहा है। थैंक यू आप सभी को, बहुत अच्छा ध्यान हुआ मैम, थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर ध्यान, आनंद आ गया, बिल्कुल आनंद आ गया। थैंक्स टू योर सेल्फ, सब लोग अपने आप को धन्यवाद करें, पितामह पृथ्वी सर को धन्यवाद करें, इस यूनिवर्स को धन्यवाद करें, इस समय को धन्यवाद करें कि हमें इतना सुंदर समय हमें मिला है और आज के ध्यान के लिए सब लोग जोरदार क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सबकी आवाज से लग रहा है ना, डूबी डूबी आवाज सबकी। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा ध्यान करवाया, बहुत ही अच्छा ध्यान कराया मैम, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। आप सब इतने अच्छे ध्यानी है कि थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, अच्छा फील हो रहा है मैम, बहुत अच्छा फील हो रहा है, थैंक यू। सारी एनर्जीज लेकर आए हो साथ में आप, यस, पिता माँ की बहुत सारी एनर्जीज लाए, साथ में ही थे, हमने आपसे कहा ना कि हमें मतलब जब भी हम ध्यान में बैठते हैं सर हमारे साथ में ही हमें फील होते हैं और आज आप सबके साथ में थे तो वो एनर्जी भी सब सर्कुलेट हो गई सर की। यस बिल्कुल बिल्कुल थी, मतलब अद्भुत। 2-4 मिनट पहले मेरा ध्यान टूट गया, अंदर से अलर्ट हो गई, उसके बाद फिर जब गई तो फिर शुरुआत हो गई, एकदम तुरंत चली गई अंदर बैठती, दोबारा टूटने के बाद ही फिर अपने आप। थैंक यू प्रज्ञा दीदी, बेटर है बट आंख लग गई थी सुनते सुनते, अभी उठी। आप सोए नहीं थे, आप फ्रांस में चले गए थे, आप इतना डीप ध्यान में चले गए थे, आप सोए नहीं थे, आप योग निद्रा में चले गए। एक्चुअली क्या कि मैं मॉर्निंग सब कुछ ठीक थी, बस जैसे ही उठी पेट आज तो बोल रही थी खुला इनको कि मेरे को हॉस्पिटल ले जाओ, बट इन्होंने बोला तू इतनी पेशेंस रह, तू अपने ध्यान कर, तू ऊपर को सांस ले, ये कर, सब मालूम होते हुए आज तो छोड़ गई थी जैसे, पर अब बेटर है, बहुत बढ़िया है, एकदम बस ध्यान में ही हो सकता है अब मेरे। आज मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी अपने पत्री महाराज जी को कि मेरे को ठीक कर दो, बिल्कुल बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया सच में। अभी भी आप सुनोगे ना, फिर भी आंखें बंद करके अपना फिर से आंखें बंद करके बैठ जाना, सुनते रहना सारा कोर्स, ठीक है, ठीक है, आपको एनर्जीज ही मिलेंगी, ठीक है, ठीक जाना अपना ध्यान भी सुनना, आंखें भी बंद करना ताकि एनर्जीज आए आपको, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू डियर, यस थैंक यू, यस सरिता।